तो ब्लीडिंग नहीं रुक पाई उन्हों से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पूरी की पूरी ब्लड बैंक वालों की वजह से ही इनकी मौत हुई, तीनों महिलाओं की जो भी हुई। समझ में क्या ऐसा ब्लड बैंक का मैं आड़ू आदमी बैठा रहेगा, मर्जी आओ जो उठा देती है। तीनों हॉस्पिटल में घटना घटती है। मेरे साथ 2750 रुपए भी ले लिए और मेरा ब्लड भी ज्यादा निकाला हुआ। ब्लड इन्फेक्शन करवो आने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से, अड़ा से रेफर कर रहा था, दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ जल्दी से जल्दी, जितनी हो सके जितनी जल्दी, नहीं तो माँ ने भी खतरा हो जाएगा, बच्चा ने भी खतरा हो जाएगा। फोन आया तो सोनोग्राफी करवाई थी, पेट में बच्चा है ना, शिशु की जान चली गई। डेथ का कारण बताया गलत ब्लड, बाहर से ब्लड चढ़ाने की वजह से डेथ हुई। 25 साल की उम्र होगी इस बच्चे की। आज का टाइम ये है कि एक शादी होना मुश्किल हो रहा है। अब ये गरीब आदमी उस टाइम में शादी में 15-20 लाख रुपए लगे होंगे, आज नॉर्मल बात नहीं लगना। अभी दूसरी करता है कहाँ से भी मिलती, कम मिलती है क्या बताओ? संक्रमित ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की गई जान, न्यूज नेगेटिव है लेकिन जाननी जरूरी है। राम राम, समाचार साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। मामलो है नीमका थाना के बिहारीपुर ग्राम पंचायत के राज कपूर जी के परिवार से। बाकी जो बहू है वह पेट से रहा और बाद नीमका थाना हॉस्पिटल में लेके जाए और हॉस्पिटल के मायने ब्लड की कमी होने की वजह से ब्लड चढ़ाने के लिए डॉक्टर बोले हैं और बाकी परिवार का ब्लड बैंक से जाके ब्लड लेके आए और जो ही ब्लड बाकी चढ़ाए जाए तो ही बाकी शरीर के ऊपर एक अलग तरह का असर दिखा है और डॉक्टर बने संक्रमण होने की एक आशंका है बताऊँ और जयपुर रेफर कर दें। तो बाकी परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ, बातचीत आप करांगा कि पूरा मामलो हो और ये घटना के दौरान बाकी जान भी चली जाए। तो परिवार से मामला जानवा की कोशिश करूँगा, वीडियो थान शेयर कर देना है और लास्ट तक है बने रहना है। क्या नाम है साहब? अनिल। अनिल जी, क्या लागू थे मीना जी का? जेठ। के मामलो कदमन हॉस्पिटल लेके गया? 10 तारीख ने हॉस्पिटल लेके गया था मम्मी जी। के कारण? चेक करवाबा के लिए, सोनोग्राफी करी थी उन्होंने तो ब्लड कम बताया तो ब्लड चढ़वाने के लिए ले गए थे 11 तारीख को। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया? कपिल हॉस्पिटल में, सरकारी में। अच्छा, बाद का महीना आगे के रही हो बड़ी? तो 11 तारीख को हम सुबह 11 बजे पहुंचे थे वहाँ पे, एडमिट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड चढ़वाना है तो ब्लड बाहर से ब्लड बैंक से ले आओ, वहाँ से ले आओ, फिर हम चढ़ा देंगे। 10 तारीख की बात है ये? 11 तारीख की बात है, सुबह की 11 बजे की। तो मैंने वहाँ से 2 यूनिट खून लेके आया, मेरे से 2750 रुपये भी ले लिए और मेरा ब्लड भी ज़्यादा निकाला उन्होंने। उसके मेरे है मेरे पास वो तो पर्ची दी है उन्होंने, वो भी है मेरे पास। कौन से ग्रुप को ब्लड मांगे उधार कर हॉस्पिटल वाला? ए पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड मांगा था और मेरा था बी पॉजिटिव, तो उन्होंने चेंज करके मेरे को ब्लड दिया और मैंने डॉक्टर है ब्लड सौंपा। वहाँ पे चेक किया नहीं किया उन्होंने, बोला नर्स से या डॉक्टर से, वहाँ पे एडमिट कर रखी थी वहाँ पे, मैंने ले जाके दे दिया। नर्स थी वो या डॉक्टर थी मेरे को इतना नहीं पता था, तो उस देखते हुए कि नर्स ने चेक किया नहीं किया ये मेरे को पता नहीं है, मेरे को अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। तो वहाँ पे चढ़ाया उन्होंने खून चढ़ाया तो उसके 7-8 मिनट बाद ही उनको जिम इतराने लग गया, उल्टी होने लग गई, घबराहट महसूस होने लग गई। फिर डॉक्टर है को बुलाया गया, जल्दी से जल्दी इसको रेफर किया जाएगा, आप एम्बुलेंस ले आओ। मैं बोला कि गवर्नमेंट एम्बुलेंस भेज दो 108 नंबर से, तो 108 नंबर से एम्बुलेंस नहीं भेजी मैंने, बाहर से एम्बुलेंस की। मैं पैसे की ना परवाह करते हुए बाहर से एम्बुलेंस करके मैं जल्दी से जल्दी ले जाओ जयपुर के लिए तैयार हो गया। अच्छा, फिर घटना सारी 11 तारीख नहीं हो जाए? हाँ, 11 तारीख को हुई थी ये घटना। ब्लड चढ़ाने के 7-8 मिनट मतलब पूरी कंप्लीट बोतल चढ़ जाए, पूरा यूनिट चढ़ जाए? नहीं, चौथा हिस्सा ही, जैसे 5-7 मिनट में चौथा हिस्सा ही चढ़ता है, थोड़ा बहुत ही अंदर गया, ज्यादा नहीं गया था, उसमें ही हो गया ये घटना। अच्छा, दोनों पूरी कौन चढ़ी? ना, दो एक भी ना चढ़ी पूरी, तो थोड़ा सा हिस्सा चढ़ा। हाँ, थोड़ा हिस्सा चढ़ा था, 5 मिनट में कितना हिस्सा चढ़ता है बस इतना ही चढ़ा है। तो कोई कारण भी बताएगा डॉक्टर साहब, वो कारण हो रहे है चीप चलान को, कोई रीजन दियो बता कि ब्लड रीजन? तो वे बताया कि ब्लड इन्फेक्शन कर को आने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से अड़ा से रेफर कर रहा था, हमें दूसरी हॉस्पिटल में चाहे सीकर ले जाओ चाहे जयपुर ले जाओ, दूसरी हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ आने जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जितना जल्दी, नहीं तो माँ ने भी खतरा हो जाएगा, बच्चा ने भी खतरा हो जाएगा। बेबी के बाद में जयपुर कौन सा हॉस्पिटल लेगा? मैं चांदपुल जनाना हॉस्पिटल में लेगा। बड़े फिर कितनी देर में पहुँच गया थे? करीब 3 घंटे से पहले पहुँच गया था मैं वहाँ पे। 1 बजे की बात है? रात में 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच गया था मैं। फिर अति देर बाकी के लक्षण रहा शरीर के में? वहाँ से डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि एम्बुलेंस में मरीज चला जाए, मरीज के साथ में एक कंपाउंडर या डॉक्टर चला जाए, तो डॉक्टर भी नहीं गया हमारे साथ ना कंपाउंडर गया, हमें सिंगल ही भेज दिया गया था।
कि जल्दी जल्दी आप ही जाओ, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। फिर बड़े भर्ती ले लिया जनाना हॉस्पिटल में? हाँ, वहाँ जनाना हॉस्पिटल में भर्ती ले लिया था। वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं बताई गई, क्या कि उन्होंने सब कुछ नॉर्मल बताया, कोई दिक्कत नहीं है कि डिलीवरी हो जाएगी। बोला ऑपरेशन करेंगे अभी आप यहाँ से, तो ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात में मेरे को समाचार लगता है फोन द्वारा, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया किसी ने भी, गार्ड वालों ने, डॉक्टरों ने, किसी ने भी अंदर नहीं जाने दिया। कौन कौन आते हॉस्पिटल में? मैं था और मेरी मम्मी थी और पापा जी, और मैं रात में आए थे। फोन करो आयो फिर तरगन फोन आया तो सोनोग्राफी करवाई थी, पेट में बच्चा है ना, शिशु की जान चली गई। एक बजे गया फोन यू? ये मेरे पास 3 बजे के समथिंग फोन आया था। 11 तारीख की रात, मतलब 12 तारीख हो जाए, 12 तारीख हो जाती है रात में, तो रात में फोन आया था 3 बजे के समथिंग मेरे पास। तो बजी टाइम बुक करवा दियो गे, बच्चों जन्मवा दियो? नहीं, बच्चा जन्माया सुबह, सुबह के टाइम में जन्माया, रात के टाइम में नहीं जन्माया बच्चा। तो मैं तो ब्लड की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को इतना ही बताया कि ऑपरेशन से बच्चा होगा तो ब्लड की तैयारी करना, मेरा तो फर्ज बनता है कि ब्लड देना पड़ेगा मेरे को, कि मैंने तो एक यूनिट दे भी दी थी, और भी देना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं और भी दे दूंगा मैं, इस बात की कोई टेंशन नहीं थी मेरे। और मैंने फ़ोन भी कर दिया था भाई लोगों के पास में, वो आ रहे थे देने के लिए सुबह, वो बोले पहुँच जाएंगे हम। तो इन्होंने मर्द को सुबह सुबह 9 बजे के करीब, 9 बजे डिलीवरी करवाई थी इन्होंने, तो शिशु को तो मर्त घोषित कर ही दिया था, वो तो मर्त था ही जानी, कुछ होना नहीं था उसका, तो नहीं उसको भी फिर हमने बोला तो उनकी, उनको फिर मिलने के लिए भी बोला हमें, तो मिलने के लिए बोला, क्या उस उन्होंने कुछ कार्रवाई की, उस डॉक्टरों ने इलाज किया और शिशु को बाहर निकाले, शिशु को हमें सौंप दिया गया था। उसके बाद में इनका डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, तो ब्लीडिंग नहीं रुक पाई उन्होंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो डॉक्टर जानते हैं। 12 तारीख की बात है ये, 12 तारीख की सुबह 10 बजे के करीब की बात। 10 बजे के बताऊं? 10 बजे मैं तो ब्लड बैंक चला गया था, बोल ब्लड लाने के लिए सैंपल दिया था मेरे को, इस सैंपल ले आओ, तो उन्होंने ब्लड वालों ने ब्लड भी नहीं दिया था, क्योंकि हमारा गलत ब्लड है वो चढ़ चुका था, तो उन्होंने बोला कि 18 घंटे बाद या 48 घंटे बाद चढ़ाएंगे ब्लड, इससे पहले नहीं चढ़ा सकते हम। फिर क्या रही हॉस्पिटल में? फिर मेरे पास फोन आता है कि डेथ हो गई, फिर मैं वहां से भगा भगा आता हूँ, फिर इन्होंने डेथ घोषित कर ही दी थी। डेथ का कोई कारण क्या बताया भाई? डेथ का कारण बताया गलत ब्लड, बाहर से ब्लड चढ़ाने की वजह से डेथ हुई है। अच्छा, तो मतलब ये पूरा वाक्य के दौरान थारी कोई बातचीत भी हुई मैना जी के कुछ बता रहा है? मैना जी से तो मिलने नहीं दिया ना किसी को, मम्मी जा रही थी और सिस्टर जा रही थी बस। अच्छा, और एम्बुलेंस में कोई बातचीत उनके लिए? एम्बुलेंस में बातचीत हुई थी हमारी, तो वैसे बात वैसे नॉर्मल थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वैसे एम्बुलेंस में यहाँ से ले गए थे ना नीम का थाना से हम, तो मैं बात कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं बता रही थी वो, वैसे ब्लड गलत चढ़ गया था, वो मेरे को बोल रही थी कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे बात है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को उल्टियाँ आ रही है, तो हमने उल्टियाँ भी करवाई रास्ते में, चक्कर आ रहे, तो मैं कोई बात नहीं थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, रवानगी तो ले ही ली थी, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे, इलाज जरूरी है। वहाँ पे जयपुर गए थे, वहाँ पे बीपी भी चेक हुई है, सारे नॉर्मल डॉक्टर के काम होते हैं, जैसे जो करना होता है, जहाँ से हमें नॉर्मल बताया गया था कि नॉर्मल है, आपको फिर इनको अंदर एडमिट कर दिया था लैब में, तो हमें अंदर अलाउ नहीं था जाना। ये मामला समझ में आ गया, परिजन ये बोल रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल वालों की लापरवाही, तो हम हॉस्पिटल की लापरवाही तब माने, जब ये 3 हॉस्पिटल में घटना घटती है, अगर एक एक जगह ये घटना घटती है तो हम ये मानेंगे भाई डॉक्टरों की गलती मानेंगे हम, अगर एक, लेकिन तीनों जगह ही ये ब्लड संक्रमण की वजह से हो रही है, तो ये तो पूरा ब्लड बैंक वालों की गलती है, या तो ब्लड बैंक वालों को ये जो कौन हमारा वो सैंपल चेक कर रहा था उसको पता होना चाहिए भाई ये कौन सा ग्रुप है, क्या इसको संक्रमण कैसे किया गया, हमारे ब्लड में क्या कमी, तो पूरी पूरी जहाँ तक सारी पढ़ रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, जनता से भी सुन रहे हैं 3-4 रोज से, तो ये हमें तो यही महसूस हो रहा है कि पूरी की पूरी ब्लड बैंक वालों की वजह से ही इनकी मौत हुई, तीनों महिलाओं की जो भी हुई है। हमारी ये मैना देवी है, जो डॉक्टरों ने आते भाई ये अभी प्रिजन बता रहे थे कि कटरा जी को स्टाफ ने फोन किया, कटरा जी भाग के आए, आते देखा भाई ये तो ब्लड का इन्फेक्शन है, इनको जल्दी जल्दी आप हॉस्पिटल में पूछा उससे कर जयपुर कहीं, फिर भी इन्होंने भाई बोल रहे हैं कि डॉक्टरों को हमने कहा कि 108 भेज जाए, तो उन्होंने कहा भी हमारे पास व्यवस्था नहीं, ये प्रिजन ही बता रहे हैं, तो इन्होंने बाहर से पैसे की तरफ, गरीब आदमी होते हुए पैसे की तरफ नहीं देखते हुए इन्होंने बाहर से जल्दबाजी में जाके है ना, वो बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस लेते हैं, जयपुर पहुँचते हैं, महिला बार बार उल्टियां करती हैं, परेशान होती हैं, फिर भी जयपुर पहुंच जाते हैं सही सलामत, फिर वहाँ स्टाफ ने भी इनको ऑपरेट किया, अब ये कह रहे हैं हमें अंदर बढ़ने नहीं दिया, तो जनाना का बहुत सी एक सिस्टम है देखो, चाहे वहाँ
दो महिला को अंदर जाने दी, पुरुष तो अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो वो भी हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते कहीं भी कुछ भी हो। तो उन्होंने भाई 2 बजे की रात को 12 बजे सोनोग्राफी की, तो बता रहे हैं बच्ची वो उस ब्लड की वजह से तो डेथ हो गई, बच्ची की जो पेट में जो बच्चा था बच्ची उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने फिर साथ नॉर्मल डिलीवरी कराने चक्कर में भाई क्यों इस बच्ची की जिंदगी नॉर्मल डिलीवरी करा के, तो सुबह ये बोल रहे हैं दोनों एक साथ। तो जहाँ तक ये मेरे साथ महसूस होता है तो ये तो पूरी का ब्लड बैंक ही है, तो इन ब्लड बैंक वाले मालिक है, इसको ये कह रहे भाई आपने जो बैठा रखा है स्टाफ या कोई डिग्री वाला कोई वो है या मेरे जैसे कोई वैसे बैठा रखे हैं जो अब आता है वो देना, ये पॉजिटिव के वो अंदर रखे हैं बैग भी पॉजिटिव वो आता रहा वो उठा के दे देना। तो मेरे तो ये होता है कि उन्होंने ये क्रॉस मैचिंग वगैरह कुछ करने में या ब्लड बैंक की वजह से ये पूरा टारगेट ब्लड बैंक का ही होना चाहिए। साहब देखो तीन मौतें जाना, अभी जवान बच्चा है 25 साल की उम्र होगी इस बच्चे की, आज का टाइम ये है कि एक शादी होना मुश्किल हो रहा है। अब ये गरीब आदमी उस टाइम में शादी में 15-20 लाख रुपये तो लगे होंगे आज नॉर्मल बातें लगना, अभी दूसरी करता है कहाँ से भी मिलती कहाँ मिलते हैं क्या बताओ कितना टारगेट। तो इस बच्चे का भविष्य देखा जाए क्या होगा, तो देखो जो भी होना चाहिए वो ब्लड बैंक के ऊपर होना चाहिए और इस बच्चे की तरफ भी देखा जाए ताकि इसके दूध शादी उदी में कुछ समाधान हो। अच्छा अभी पूरे प्रकरण में क्या मांग रही था ये परिजन की? मांग तो साहब ये परिजन बैठे हैं ये भी बताएं, हम भी फिर इनके साथ बोलेंगे। देखो मांग तो उस ब्लड बैंक वाले के साथ ही होनी चाहिए, देखो ना इस पे उसने की है क्यों, आज तो उसने 3 की जान ली, कल अगर और भी वो कहीं देगा तो और भी करेगा कितने लोगों को जान लेगा, इसलिए पहले तो ये होती है वर्ल्ड बैंक को सीज किया जाए उसको बंद किया जाए, ऐसे वर्ल्ड बैंक कितने भी हो उनको सबको बंद किया जाए। साहब देखो हमारे तो यही है क्योंकि ये खिलवाड़ हो रहा है, किसी की माँ जा रही है किसी की बहन जा रही किसी का बेटा जा रहा है इस बच्चे का घर ही बंद हो गया, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक वालों से वो की जाए और इस बच्चे का जो कुछ होता है भाई शादी वगैरह बोलेगी तो इनको देखो इनकी हेल्प की जाए। बाबा जी पूरा प्रकरण में क्या समझ में आ रही है? समझ में क्या है, ब्लड बैंक का मैं आड़ू आदमी बैठा रहा मर्जी आओ जो उठा दे दी से कोई जाना था को बड़ो के जाने बेचारो जब दे बड़ा कौन जाने, तो 4-5 मौत तो होगी और कहने बांट देंगे और मौत हो जाएंगी, अपने छोरा को तो घर ही बंद होगा भाई, शादी कोई बात में थोड़ी होता है कटे छोरी मिले आजकल तो घर ही बंद होगा बेचारा को, और आगे कहीं का होगा। एक साल पहले शादी होगी? 1.5 साल पहले शादी हुई, 12 महीना 15 महीना होगा इतना भी, अब बताओ आदमी क्या करे। अब ये पूरा प्रकरण में प्रशासन से क्या अपील करोगे? प्रशासन से यह कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितना भी ब्लड बैंक में नौकरी करें सबकी डिग्री चेक करनी चाहिए, अगर पढ़ेड़ा भी सही का यही ले रहेगी ये प्रशासन का काम से, ठीक है जी अपना काम करें आप तो अपना काम है जो अपने को आदमी को, पर प्रशासन ने यह चाहे कि भाई उनकी डिग्री चेक करे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, आगा से ऐसा काम नहीं हो, जितने भी प्राइवेट ब्लड बैंक है सबसे बंद करो सबने चीज करके सबसे अड़ी बट की चढ़कर पर बट जाएंगी पर पर बट जाएंगी, अब गरीब आदमी बेचारो नीम का धड़ता तो कतरा हो जाए कहें कि अगर अब आगा नहीं तो तन मेकड़े बुलाओ, तो ये कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन ने करनी चाहिए और जल्द से जल्द करनी चाहिए, सबने सीज करना चाहिए जितना भी नौकरी आदमी करे सबने बंद करना चाहिए, सबकी डिग्री चेक करनी चाहिए सबका इंटरव्यू लेना चाहिए। पहले हम एक बार गवर्नमेंट में मास्टर लग गया था ना कोई इन पढ़ाने को नहीं आता तो सबकी डिग्री चेक करी सब नकली निकला और सबने हटाया जा सबके सजा करी जी और जितना पैसा लिया उल्टा भरवाया सब, आजकल नॉर्मल शादी जैसे 10-12 लाख रुपये शादी को नॉर्मल करे जाओ गरीब आदमी। एक मत थारो के मानना ऐगा कौन सा प्रावधान ही गवर्नमेंट ने करना चाहिए ताकि ऐगी घटना दोबारा न हो, थे मान कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर बताओगा और आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए जल को सिक्कर के साथ यहीं बना रहो। राम राम।